हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है किरण किचन के चैनल में। तो देखिए, मैं यहाँ पे धो करके दो बीटरूट ली हूँ, चुकंदर। तो देखिए, छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, आप लोग को साथ शेयर करने वाली हूँ, बीटरूट का चिप्स बनाने की रेसिपी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने छील दिया है बीटरूट का चुकंदर को। तो देखिए, मैं यहाँ पे चॉप करने वाला ली हूँ चॉपर। तो देखिए, यहाँ पे मैं बीटरूट को चॉप कर दे रही हूँ चिप्स के लिए। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चुकंदर को चिप्स बनाने की रेसिपी। तो देखिए, मैंने इस शेप में इसे चॉप कर ली हूँ बीटरूट को चिप्स बनाने के लिए। देखिए, ना ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा पतला, मीडियम में इस चिप्स को चॉप किया जाएगा। देखिए मैंने कितना बढ़िया चॉप कर ली हूँ, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। और यहाँ पे मैंने एक लेमन ली हूँ नींबू, तो उसे बीच बीच काट दिया जाएगा इस नींबू को। और एक टुकड़ा को जूस निकाल दिया जाएगा इस बाउल में निचोड़ करके। तो चलिए, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ चुकंदर का चिप्स बनाने के रेसिपी। देखिए, ये आधा भाग में इतना जूस निकला है। और देखिए, यहाँ पे मेरे चुकंदर के चिप्स है और यहाँ पे गैस ऑन कर दी हूँ। और ये सस्पिन में पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो इसमें डाला जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है चिप्स में, नहीं तलते वक्त ज़्यादा हो सकता है। देखिए, इसमें ये लेमन जूस डाला जाएगा, नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए डाला जाएगा क्योंकि ये चुकंदर तो मीठा होता है, तो वो मीठे के मारने के लिए ये लेमन जूस डाला जाएगा इसमें। तो देखिए, इसमें एक उबाल आएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। ये सारा चुकंदर को चिप्स इस पानी में डाला जाएगा और डाल करके इसमें एक दो उबाल आएगा तो गैस को बंद कर दिया जाएगा। तो चुकंदर तो मीठा होता है, तो इसमें मीठा काटने के लिए डाला जाएगा नींबू का जूस। तो देखिए, यहाँ पे उबाल गया है ये चिप्स चुकंदर का, तो इस बर्तन में पानी से निथार कर निकाल लिया जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हो गया है, पक गया है, अधपक हो गया है ये चिप्स चुकंदर का। तो देखिए, इस थाली में सुखाने के लिए मैं बारी बारी से इसे रख दे रही हूँ और इसे धूप में सुखाया जाएगा दिन भर के धूप में। खट्टी मीठी तीखी चटपटी इस चुकंदर का चिप्स लगता है बीटरूट को। प्लीज़ ये चिप्स बनाने की रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। देखिए, यहाँ पे मेरा सूखने के लिए तैयार हो गया है, तो अब इसे धूप में सुखाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक दिन के धूप में सुखाए हूँ इस चिप्स को। तो देखिए, इसका कलर किस तरह हो गया है, सूख करके एकदम काला हो गया है, कॉफ़ी की तरह सूख करके। इसमें आवाज़ आने लगा है, झनझन सूख गया है। देखिए कितना बढ़िया ये चिप्स चुकंदर का। देखिए, मैंने काटी थी तो उतना बड़ा बड़ा था और सूख करके एकदम छोटा छोटा हो गया है। देखिए, तो चलिए यहाँ पे गैस को जला दी हूँ और कढ़ाई में तेल रख करके। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है,
तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, उसमें चिप्स डाला जाएगा और डाल करके फ्राई किया जाएगा। तो चलिए आप लोग से दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया ये फ्राई हो रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है ये चिप्स तेल में डालते डालते। इसे तेज आंच पर पकाया जाएगा और क्रिस्पी होने के लिए आंच को हम धीमी कर देंगे ताकि क्रिस्पी कुरकुरी हो ये चिप्स। तो बारी बारी से हम फ्राई करके इस चिप्स को आप लोगों से दिखाती हूँ। देखिए कितना छोटा छोटा है और तेल में डालते समय फ्राई होकर के इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, फूलता है। देखिए कितना बढ़िया ये चिप्स। प्लीज़ दोस्तों आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना और बनाना। तो देखिए यहाँ पे मेरा चिप्स कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया था। अरे कितना बढ़िया फूल रहा है तेल में डालते डालते। आप लोग तो चिप्स बहुत बार खाए होंगे लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाइए और बना कर देखिए और खाइए। मैं सारे चिप्स को फ्राई कर दे रही हूँ यहाँ पे और करके आप लोग से दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारे चिप्स फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें डाला जाएगा तीखी चटपटी स्पाइसी के लिए। ये तो चिप्स मीठा है तो इसमें डाला जाएगा काला नमक। तीखी चटपटी के लिए काला नमक डाला जाएगा, रेड चिल्ली पाउडर डाला जाएगा आधा चम्मच, इसमें पेपर पाउडर डाला जाएगा आधा चम्मच छोटे वाला चम्मच से, और यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला जाएगा हाफ इंच, और इसे डाल करके बढ़िया से मिला दिया जाएगा चटपटी लगने के लिए। ये तो चुकंदर मीठा होता है तो हम स्पाइसी चटपटी तीखी के लिए इसमें ये डाला जाएगा और डाल करके इसे बहुत बढ़िया से मिला दिया जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी हुआ है। प्लीज़ दोस्तों चिप्स बनाने के ट्रिक तरीका रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, बाय बाय, लाइक कर देना।